क्वेश्चन नंबर 46 पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी यहाँ पे ए वाई अपॉन बी है और यहाँ पे सिर्फ ए वाई है, तो अगर हम यहाँ पे एक बी से मल्टीप्लाई कर दें तो बी और बी कट जाएगा, सिर्फ ए वाई बच जाएगा, यहाँ भी ए वाई है तो वाई का कोएफिशिएंट एक जैसा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, इसमें कॉन्स्टेंट पार्ट जो है वो भी इक्वल टू के इस साइड में दिया हुआ है, तो पहले हम लोग कॉन्स्टेंट पार्ट को राइट साइड में शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा बी एक्स बाई ए माइनस ए वाई बाई बी इक्वल टू माइनस ए माइनस बी, और इस इक्वेशन में बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू माइनस टू ए बी, इस टू ए बी को हमने इधर भेज दिया, ये हो गया इक्वेशन वन और ये हो गया इक्वेशन टू। अब हम इस इक्वेशन को बी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इनटू बी करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन एक्स अपॉन ए माइनस ए वाई बाई बी इंटू बी होगा, तो बी और बी कट गया, सिर्फ बचेगा ए वाई, और यहां पे बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थ्री, ठीक है। और टू इक्वेशन टू में कोई चेंज नहीं हुआ तो ये इक्वेशन एज इट इज रहेगा बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू माइनस टू ए बी, ठीक है। अब हम दोनों इक्वेशन को करेंगे सब्ट्रैक्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेम साइन है, तो सेम साइन रहने पे चाहे दोनों प्लस हो चाहे दोनों माइनस हो, सेम साइन रहने पे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस ए वाई प्लस ए वाई कैंसिल हो गया और यहाँ पे हो गया बी स्क्वायर एक्स बाई ए माइनस बी एक्स, और इधर हो गया माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है। फिर इधर लिखते हैं, यहां पे x कॉमन आ जाएगा और एलसीएम भी ले लेंगे, तो दोनों स्टेप एक साथ कर लेते हैं, x कॉमन आ गया और एलसीएम लेंगे तो ये a यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए हो गया, और इधर में माइनस ए बी प्लस टू ए बी है, तो प्लस टू ए बी माइनस ए बी बन गया ए बी माइनस बी स्क्वायर, तो यहां से x इक्वल टू ए बी माइनस बी स्क्वायर अपने प्लेस पे है, ये a ऊपर चला गया और ये जो टर्म है बी स्क्वायर माइनस ए बी वो नीचे आ गया, बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब यहां पे दिख रहा है ए बी माइनस बी स्क्वायर, यहां बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये दोनों कट जाएगा माइनस वन बार में, तो x इक्वल टू माइनस ए बच गया। यह कैसे कट गया, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेते तो ये ए बी माइनस बी स्क्वायर था, अगर माइनस कॉमन निकालते तो ये बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाता, फिर बी स्क्वायर माइनस ए बी बी स्क्वायर माइनस ए बी कट जाता, हम वैसे भी कर सकते थे या डायरेक्ट काट दिए, ठीक है। तो माइनस वन इंटू ए माइनस ए, तो एक्स का वैल्यू मिल गया माइनस ए। अब इस एक्स के वैल्यू को उठाकर हम ये इक्वेशन टू में पुट कर देंगे, सेकेंड इक्वेशन छोटा दिख रहा है तो एक्स के जगह पे हम लिख देंगे यस फ्रॉम इक्वेशन टू, चाहे वन से भी कर सकते हैं किसी से भी कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन टू बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू माइनस टू ए बी, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन, एक्स के प्लेस पे हम रखेंगे माइनस ए, तो बी इंटू माइनस ए माइनस ए वाई इक्वल टू माइनस टू ए बी, बी इंटू माइनस ए हो गया माइनस ए बी माइनस ए वाई इक्वल टू माइनस टू ए बी माइनस ए वाई इक्वल टू माइनस टू ए बी, ये उठ के इस साइड चला जाएगा तो आके इधर हो गया प्लस ए बी, फिर माइनस ए वाई इक्वल टू माइनस टू ए बी प्लस ए बी, ये बन गया माइनस ए बी, माइनस साइन दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा और ए भी दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो वाई का वैल्यू आ गया सिर्फ बी, तो वाई इक्वल टू बी, तो दोनों एक्स और वाई दोनों वैल्यू मिल गया, एक्स का वैल्यू हो गया माइनस ए और वाई का वैल्यू हो गया बी।